Janabi Speaker, I am incredibly grateful to the members of the opposition benches who joined us in this resolution. Chitrali Saab of Jamaat-e-Islami, Saira Banu Saab of GDA, and Ramesh Kumar Saab of Pakistan Tehreek-e-Insaf. मैं वज़ीर ख़ारजा का पॉलिसी स्टेटमेंट आपके सामने आया है जनाब स्पीकर मैं अब आपकी इजाज़त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से नेशनल असम्बली पे कुछ जो कौमी हालात है उस पर तबसरा करना चाहूँगा जनाब स्पीकर पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉस रोड्स जो इस साल जदोजहद हुआ है और इस जदोजहद के नतीजे में जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक हुकूमत को आइनी जमहूरी तरीके से जमहूरी अदम एतमाद से हटाया गया उनकी नालायकी की वजह से उनकी नाकामी की वजह से और एक ऐसा हुकूमत बन चुका है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमारा ऑपोजिशन बेंचेस से उठ के ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ रहे हैं वो सियासी जमातें जो एक दूसरे के सियासी हरीफ रह चुके हैं सियासी मुखालिफ रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो सियासी तारीख है वो इस मुल्क और कौम के सामने है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान सियासी इख्तलाफात रहे हैं वो इस मुल्क की सियासी तारीख का हिस्सा है बलूचिस्तान के बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो या बलूचिस्तान बीएनपी हो ये क्या कोई ये सोच सकता था कि दोनों एतहादी एक ही हुकूमत का हिस्सा होते हमारे साथ साथ जैसे जनाब हमारा बख्ती साहब जमहूरी वतन पार्टी का नुमाइंदा करते हुए मोहसिन दावर साहब नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और साबिक कबायली इलाकों के नुमाइंदा करते हुए अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के कुछ नुमाइंदे सब मिलके ये हुकूमत संभाल रहे हैं जनाब स्पीकर तो हमने क्यों ये वजन अपने खंडों पे लिया है ये सिर्फ तब होते हैं ऐसे हालात सिर्फ तब बनते हैं जब मुल्क और कौम सीवियर क्राइसिस की मुकाबला कर रहे हैं जंगी हालात हो तो फिर ऐसे सियासी हालात हो सकते हैं जंग और इमरजेंसी जैसे मैदान हो तो फिर सियासी मुखालफीन एक दूसरे के खिलाफ जो सियासी एतराजात है वो साइड पर रख के नेशनल इंटरेस्ट के सोचते हुए इस किस्म की जिम्मेदारी उठाते हैं और जो पाकिस्तान की तारीख ने बहुत मुश्किलात देखे हैं आज हम एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन में हैं इसलिए हर फ्रंट पे क्राइसिस है जहां हम देखें एक बहरान है और जितना ही बुरा जितना ही मुश्किल हम उन बेंचेस पे बैठ के समझ रहे थे कि हालात पहुंच चुके थे जो जो वजीर अपने दफ्तर संभाल के पहले दिन जो देख रहे हैं जनाब स्पीकर मैं इस हाउस से आपसे मुल्क और कौम के समझाना चाहूंगा कि हालात हमारा अंदाजा से भी बुरा था द सिचुएशन इन पाकिस्तान इज एट क्राइसिस पॉइंट इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए चाह पाकिस्तान की जमहूरियत हो पाकिस्तान का आईन हो पाकिस्तान का जमहूरी इदारे हो पाकिस्तान के सारे इदारे हो ये तो हम मान चुके हैं जानते हैं कि पिछले चार साल से जिस अंदाज से और जिस तरीके से हर एक इदारा को हमारा नेशनल असेंबली समेत को मुतनाजा बनाया गया था एक शख्स के लिए एक सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से वो नुकसान अपनी जगह मगर जाते जाते जो नुकसान खान साहब और उसकी साबिक हुकूमत हमारे इन अदारे के साथ हमारा जमहूरियत के साथ और हमारा आईन के साथ किए
और आज तक कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। जनाबी स्पीकर, जिस तरीके से हमारा जमहूरी हथियार, हमारा जमहूरी अदम एतमाद का मुकाबला करने के बजाय साबिक वजीर आजम ने भागते 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 आईन तोड़ा, जमहूरियत पे हमला किया, वो आपके सामने है। ये सब लोग, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, सदर पाकिस्तान, ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 3rd, ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 9th एंड अप्रैल 10th, और अप्रैल 10th से लेके आज तक जो आईन शिकनी कर चुके हैं, जो आईन तोड़ रहे हैं, जो आईन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, ये नेशनल असेंबली, ये पार्लियामान कैसे इस किस्म के हमले को इग्नोर कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, हमारा आईन को एक कागज का टुकड़ा समझ के हमारा तारीख में फारा गया है। हम समझते हैं कि ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 3rd, ऑन द नाइट ऑफ अप्रैल 8th एंड 9th, एंड आज तक उस आईन पे हमले हो रहे हैं, और इट इज द पोजिशन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दैट इज बीन प्रेजेंटेड बिफोर आवर यूनाइटेड गवर्नमेंट, एंड आई टुडे प्रेजेंट बिफोर यू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, दैट दिस हाउस मस्ट फॉर्म अ हाई लेवल पार्लियामेंट्री कमीशन और कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द इवेंट्स लीडिंग अप टू अप्रैल 3rd, पोस्ट अप्रैल 3rd, ऑफ द नाइट ऑफ अप्रैल 9th एंड अप्रैल 10th, और जो उसके बाद आज तक होता आ रहा है, और पंजाब में जो गेम हम देख रहे हैं। अगर हम, मैं ये आपके सामने नहीं कह रहा हूं कि जुर्म ये हुआ है और जुर्म का सजा ये है और हुकूमत को फौरन इन जुर्म के मुताबिक केसेस लॉन्च करना चाहिए, मैं आपके सामने ये केस प्रेजेंट कर रहा हूं कि हमें इन हमले को सीरियसली लेते हुए एक कमीशन बनाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन कौन इन गैर आईनी गैर जमहूरी कामों में मुलव्वस थे, और जहां तक अप्रैल थर्ड की इंसिडेंस है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में साफ बता दिया कि गैर आईनी काम हुआ था। लेकिन आगे जाके जिस तरीके से उन कोर्ट्स के ऑर्डर्स पे अमल नहीं हो रहा था, और जो भी वो तसलसल था, जिस तरीके से इस साबिक हुकूमत ने इस मुकाबला से, जमहूरी मुकाबला से भागते हुए आईन और जमहूरियत पे हमला किया, जनाब स्पीकर, द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा जमहूरियत का तरक्की हो, अगर हम चाहते हैं कि इस हाउस का इज्जत बहाल हो, तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, we have to investigate and come to the bottom of these events, and jo bhi zimmedar log hain, jo bhi appropriate action hai, us investigation ke, in light of that investigation we can then move forward on this front. isliye ki koi action nahi liya gaya, isliye ki ye sangheen hamla aain shikni ignore kiya gaya, sabiq wazir azam samajhta hai ki wo koi muqaddas gaay hai, और मुकद्दस गाय बनकर मुल्क और कौम, मुल्क के कोने कोने में फिर रहा है, और ऐसे हमले कर रहे हैं जो ना, अब तो सियासत अपनी जगह, हमारा कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारा आईन के खिलाफ है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमले हैं, हमारा मुआशी सूरत हाल से, इन किस्म के एक्शन से, इस किस्म के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नुकसान ही पहुंचेगा। और ये क्यों समझता है कि वो अब मुकद्दस गाय है? वो इसलिए समझते हैं कि मुकद्दस गाय है कि आज तक इस एक सिलेक्टेड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। आपने, हमने, हम सब ने ये इग्नोर किया कि 2018 के इलेक्शंस में मुल्क के बदतरीन दानली के थ्रू हमारा इदारे के हमले की वजह से एक हुकूमत बनाया गया, 4 साल पे इस मुल्क में मुसलत हुआ, मईशत को तबाह किया।
किया, खाजा सतह पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया, आईन जमहूरियत इंसानी हकूक माशी हकूक पे हमला करते आए, सूबे के हकूक पे डाके मारते रहे, बिजली का बोरान पैदा हुआ जहां बिजली बोरान नहीं था, पानी का संगीन बोरान पैदा किया गया और आज तक चौलिस्तान हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, उनको हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिचुएशन है जनाब स्पीकर, इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स से पहले ही मुश्किल लग रहे थे। हमारा वीट का बोहरान जियोपॉलिटिकल इवेंट से पहला पैदा हुआ था। आपका यूरिया और खाद का बोहरान इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स से पहले हुए थे। आज जो आपका फूड सिक्योरिटी का पोजिशन है, वो ना सिर्फ उस पहले बहरान को हमने किसी तरीके से फिल करना है, मगर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हराइजन पे हमें नजर आ रहा है, जो यूक्रेन रशिया और नेटो के दरमियान एक सिचुएशन पैदा हुआ है, उसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान को, इस रीजन को, पूरी दुनिया को। वीट प्रोक्योरमेंट में, यूरिया फर्टिलाइजर DIP के प्रोक्योरमेंट में, जो सप्लाई चेन्स के इंटरप्शंस इस क्राइसिस की वजह से और इससे पहले COVID-19 की पैंडेमिक की वजह से, पाकिस्तान के लिए फूड और एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत संगीन मसला है जिसका मुकाबला होना है। और इन सारे के सारे हालात में हम उस वजीर आजम को इजाजत दे रहा है को वो जो भी जी बात करे, वो जहां भी हमला करे, कोई इससे पूछने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले कदम यह होना चाहिए कि हमारा पार्लियामानी कमीशन अपना काम शुरू करे, कि April 3rd से लेकर आज तक जो आईन पे हमले हुए हैं, इस पर क्या कदम इस हाउस सजेस्ट कर रहे हैं और उस पर क्या कदम उठाया जाएगा। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वही शख्स जो अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी करप्शन 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 कर रहा 30 साल से जनाब स्पीकर, 4 साल से नहीं, 30 साल से हमारा कान पक चुके हैं ये सुन सुन के, करप्शन करप्शन करप्शन, चोर 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 चोर, 4 साल हुकूमत में रह के एक चोर को सजा नहीं दिलवा सका, खुद चोर निकले, खुद तारीख का सबसे बड़े चोर निकले। ये नया हुकूमत का हमारा तो वर्जन नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो करप्शन पिछले 4 साल में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उसके मुकाबला नहीं कर सकता। जो हमने देखे कि वजीर आजम और खातून अव्वल के जो इर्द गिर्द लोग थे, वो 4 साल के अंदर अंदर अरबपति बन चुके हैं। जिस वजारत में अब देखे इरेगुलरिटीज और इरेगुलरिटीज है, करप्शन ही करप्शन है। कोई वजीर आजम से पूछे कि आपके और खातून अव्वल के जो दोस्त है, उनके वेल्थ में इतना इजाफा कैसे हुआ? कोई वजीर आजम से पूछे कि वही शख्स जो इस ओहदा संभालने से पहले अपना वही वजीर आजम का अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो 4 साल में इतना ज्यादा कैसे भरा? तो वो बैरूनी साजिश का बात करना शुरू करता है, वो अदालत पे हमला करता है, वो इदारे पे हमला करता है। कोई इस शख्स से पूछे कि 4 साल में आपने इस मुल्क के मईशत के साथ क्या खेल खेला है, आपने 4 साल में पाकिस्तान के अवाम के मुआशी हकूक पे किस किस्म के डाके डाले हैं। कोई इस शख्स से पूछे कि पाकिस्तान को आपने कैसे और क्यों इंटरनेशनल फोरम्स पे अपना जिद की वजह से, अपना अना की वजह से, आपका अपना सियासत की वजह से इतना नुकसान पहुंचाया है, तो वो जवाब में झूठ कहता है, जवाब में हमला हावर होता है। और हमला हावर किस पे? इस अदारा पे या किसी और अदारा पे? इस तसलसल को हमें रोकना पड़ेगा, इस कदम को हमें रोकना पड़ेगा, सियासी तरीके से अवाम को समझाना पड़ेगा और जमहूरी तरीके से जनाब स्पीकर इस हाउस को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अदालत को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सारे इदारे को अपने रोल प्ले करने पड़ेंगे ताकि हम आईनी रास्ते अपनाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में था तो हमारा ये पूरा कोशिश था कि हम अपोजिशन करें,
सख्त तरीन ऑपोजिशन करे, मगर आईनी जमहूरी और कानून के दायरे में रह के ऑपोजिशन करे। और हम अपने ऑपोजिशन के दोस्तों को भी समझाते रहे कि एक्सट्रीम पोजिशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती, एक्सट्रीम मौकिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आप अपना एहतजाज भी करें, जमहूरी हमला भी करें, जमहूरी पार्लियामान में रह के इनके खिलाफ कदम उठाए और आप जीत सकते हैं। और ये जमहूरियत की कामयाबी था, ये आईन की कामयाबी था, एक ऐसा तारीखी प्रेसिडेंट सेट हो चुका जिसके नतीजे में आगे जाके 100-100 दिनों के धरने के बजाय अदारे पे फिजिकल हमले के बजाय एक जमहूरी तकरीर के अपनाया जाता। और ना सिर्फ साबिक वजीर आजम के खिलाफ, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कोई वजीर आजम आए जो नाकाम रहे, ना अहल रहे, अपने ओहदा संभाले के लायक ना रहे, तो एक जमहूरी आइनी तरीका है इस हाउस के लिए उसको हटाने के लिए। मगर खान साहब का और पीटीआई का रिएक्शन क्या रहा है इस जमहूरी और आइनी कदम के खिलाफ? इस जमहूरी और आइनी कदम के खिलाफ खान साहब एक झूठ पे मुबनी एक्सट्रीम पोजीशंस लेके मुल्क और कौम के सामने दो ऑप्शंस रखे कि जबरदस्ती फौरन खान साहब के टर्म्स पे इलेक्शंस अब हो, या वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते, या वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते जिससे किसी थर्ड फोर्स को मौका मिले। और जो भी ये इसका स्ट्रैटेजी आज का नहीं है, जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ होगा। यह धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। और मेरा ख्याल यह है, जबकि वो स्ट्रैटेजी अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनका यह स्ट्रैटेजी नाकाम रहा, हमारा सारे के सारे इदारे जो माजी में मुतनाज़े थे, चाहे हमारा अपना अदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो इनके प्रोवोकेशंस के बावजूद आईन और कानून में रह के अपने काम करते रहे और जमहूरियत का फतह था। तो आज भी इमरान खान साहब और पीटीआई का यही स्ट्रैटेजी है कि ऐसे हालात पैदा करें, ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करें, ऐसे गैर जिम्मेदाराना हमले करते रहे ताकि या इस्लाहात के बगैर हम इलेक्शंस करें, या वो प्रोवोक करें, जमहूरियत को अंडरमाइन करें, जमहूरी इदारे को अंडरमाइन करें, और फोर्स करें कि गैर जमहूरी गैर आइनी कदम उठाया जाए। जनाब स्पीकर, हम सब का ये तसलसल और हमारा सब का ये कोशिश होना चाहिए कि खान साहब का ये साजिश नाकाम रहे। हम सब के मिल के मेहनत करना पड़ेगा कि खान साहब का ये साजिश नाकाम हो और हम पाकिस्तान को बचा सके। और पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं अपना पार्टी का पॉलिसी इस हाउस के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं, हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे यकीन रखते हैं, जो कहते थे कि पहले एहतसाब पे इंतखाब। हम जमहूरी कुव्वतें हैं, हम इंतखाबात चाहते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं, और हमारा मुतालबा माजी में भी ये रहा है, हमारा लॉन्ग मार्च के दौरान ये रहा है, पाकिस्तान के अवाम के सामने हमने ये वादा किया है, पाकिस्तान की अदलिया के सामने मैंने खुद और हमारे दोस्तों ने ये वादा किया है, जगह 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 हमने ये पोजीशन रखा है कि पहले हम इस्लाहात करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के दो पहलू है, सबसे पहले फौरन फौरन जल्दी जल्दी हमने जो वो सारे गैर जमहूरी इलेक्टोरल बिल्स ऑर्डिनेंसेस एक्सेट्रा जो पिछले हुकूमत ने पास किए,
जो हमारा इलेक्शन कमीशन का पर काटने की कोशिश कर रहे थे, जो आरटीएस 2 आरटीएस प्लस का ईवीएम्स के फॉर्म में मुसलत करने की कोशिश कर रहे थे, उनको हमें फौरी रिपील करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा और आपस में मिल बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मजीद जो असलाहत हम लेकर आना चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए। उसके लिए सिविल सोसाइटी, फैफिन और बहुत से ऐसे कम्युनिटीज है जिससे हम एंगेज कर सकते हैं। पाकिस्तान पब्लिक से हमें राय लेना पड़ेगा और वो सारे राय को कंसेंसस में सियासी जमातों के दरमियान कंसेंसस बना के अगेन फौरन वो असलाहत करना पड़ेगा ताकि हम इंश्योर कर सके कि जो 2018 में इस मुल्क के साथ खेल खेला गया वो कभी भी फिर इस मुल्क के साथ ऐसा खेल ना खेला जाए। पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, हम ऑलरेडी इस कंसेंसस पे हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने साइन किया था, जिसमें तकरीबन 80-90% तक हम अमल कर चुके हैं, जो काम उस पर रह जाता है, चाहे वो ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन हो, चाहे वो जस्टिस को इम्प्रूव करने के लिए रिफॉर्म्स हो, और चाहे वो जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का कमजोर और सियासी निज़ाम है उस पर असलाहत ले आने की बात हो, वो कंसेंसस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बन चुका है। तो हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले हम अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो रहता है काम वो शुरू हो। जो हमने नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाना है वो शायद एक लंबा चौड़ा काम हो। जो यहाँ हमारा इत्तेहादी है शायद वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे एग्री करने को तैयार है, मगर जनाब स्पीकर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या ना हो, एक मिनिमल कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए, एक मिनिमल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ये सारे जमातों के लिए। और वो जमात और जमातें जो यहाँ नहीं बैठे हैं कि आप इस मुल्क में सियासत कैसा करना चाहते हो, क्या हम आईन और जमहूरियत पे चलेंगे, क्या हम इज्जत के साथ एक दूसरे से सियासी इख्तलाफात रखेंगे, और इख्तलाफात रखते हुए हम आपस में एक दूसरे की राय शेयर करके, जहां हम डिसएग्री करते हैं हम डिसएग्री करते हैं, जहां हम अग्री कर सकते हैं कंसेंसस बना के एक मिसाइल का हल निकाल सकते हैं, वो बेसिक जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ना सिर्फ ये सारे जमातें मगर वो जमातें जो यहाँ नहीं हैं उनको भी हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेमवर्क ऐसा प्रेजेंट किया जाए जिससे हम अपने सारे इदारे को एक ऐसा स्पेस दे सके कि वो नॉन पार्टिजन ए पॉलिटिकल जमहूरी आईन में रह के काम कर सके, चाहे वो हमारा अदलिया हो, चाहे वो हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो। जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे में तेज़ी से बिगड़ते हुए सहालात की वजह से एक पोलराइजेशन और डिवाइड जगह जगह नज़र आ रहा है, जनाब स्पीकर, COD अपनी जगह, COD 2 अपनी जगह, अगर हम एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट पे सारे सियासी जमातें अगले इलेक्शन से पहले अग्री नहीं होते हैं, तो फिर मैं इस हाउस के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा अगला इलेक्शन खूनी इलेक्शन होगा। इसलिए जनाब स्पीकर, हम तो एक ज़माने में अनसिविलाइज होते थे, इस किस्म के तरीके अपनाए नहीं थे, और तब तो ऐसे होता था कि जिस पे के पास ज्यादा ताकत था, जो लड़ सकता था, जो मार सकता था, वो जीत सकता। और ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री सिविलाइज्ड नेशंस अडॉप्टेड इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, रूल्स, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, ताकि लड़ने के बजाय हम अपने मसले इस किस्म के इदारे या मुख्तलिफ इदारे और तरीके के थ्रू हल करें। और अनफॉर्चुनेटली हम वो ही पोजीशन पे वापस जा रहे हैं जहां हमारे इदारे और इन मसले के इस मसले से निकलने के लिए कि जो तरीक़ेकार है, जो फॉरन्स है, उनका ना कोई इज्जत रहा है, ना कोई तरीक़ेकार रहा है, नो वन इज़ विलिंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और जब हम इधर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जब हम जमहूरियत इलेक्शंस और जमहूरी तरीके पे यकीन और एतमाद रखने के लिए तैयार नहीं है, तो रहता क्या है? रहता यह है कि आप भी बंदूक उठाएं, मैं भी बंदूक उठाएं, और देखते हैं कौन जीते हैं कौन नहीं जीता। ये हालात बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये
एक वफाकी निज़ाम है हमारा, इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम। एंड अगर हमने सब इस मुल्क में रह के, इस सिस्टम में रह के, जी के, आगे जाके इन सारे मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो हम सबको, सियासी जमातों को आपस में, मीडिया को, अदालत, दूसरे जो हमारे इदारे हैं, हमें एक बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट को अपनाना पड़ेगा, ताकि हम मिलके पाकिस्तान को संभाल सके और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सके। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया।